पाकिस्तान ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की है। पाकिस्तानी सैनिकों ने 28 जून की देर रात जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय चौकियों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। सूत्रों ने इस बात की जानकारी आज तक को दी है। उन्होंने बताया है कि भारतीय सेना ने इस उकसावे का मुंह तोड़ जवाब दिया। सूत्रों ने बताया कि कृष्णा घाटी में एक भारतीय चौकी पर सीमा पार से गोलीबारी की सूचना मिली। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दोबारा एक मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही है। गो के कहा जा रहा है कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है ये पिछले मिलिट्री ऑपरेशन की तरह नहीं होगा। इसमें कहा यह जा रहा है कि जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसमें फौज तो ज़रूरी दहशतगर्द जमातों से लड़ेगी, लेकिन अवाम को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पूरे सिस्टम को ऐसे दहशतगर्द ग्रुपों से लड़ना पड़ेगा जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर उनका राज हो। इस प्रकार की पार्टी जो होती नजर आ रही है वहां पर दबा के शराब का सेवन भी किया जा रहा है। आप सबको यहां पर जानना जरूरी है, कोई यूरोप नहीं है, कोई अमेरिका नहीं है, ये और कोई देश नहीं है, ये वो देश है जिस देश में इस्लाम का दारुल हुकूमत बना था, जिस देश में अब तक ऐसी चीजें करने पर लोगों को बाकायदा सर तन से जुदा कर दिया जाता है, उस देश में ऐसी चीजें नजर आ रही है। एक तरफ दुनिया का एक सेगमेंट है जो कह रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि अभी क्राउन प्रिंस है वो एक विजनरी लीडर है, वो अपने इसी विजन के चलते सऊदी अरब को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से शिफ्ट करके टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बनाएंगे। वहीं पर जो पाकिस्तान और अलग अलग मुल्लाकंपनी है उन सबका कहना है कि ये जो सऊदी अरब को बर्बाद करने वाला फैसला। कि थोड़ी देर तक चली गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ। सूत्रों ने कहा पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हालिया सीज फायर उल्लंघन घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को कवर फायर देने का एक प्रयास हो सकता है। हमले के बाद एलओसी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा कि सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की किसी भी संभावित घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए निगरानी बढ़ा दी है और इलाके की तलाशी भी चल रही। पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से ये फायरिंग ऐसे वक्त पर हुई है जब जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा चल रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरएस स्वैन ने कहा है कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए। यात्रा 19 अगस्त को समाप्त होगी। वहीं आपको बता दें जम्मू क्षेत्र 9 से 12 जून के बीच रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में 4 आतंकी घटनाओं से दहल गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 7 तीर्थयात्रियों और 1 सीआरपीएफ जवान सहित 10 लोगों की मौत भी हो गई। जब माहौल शांत होता दिख रहा था तो पाकिस्तानी सैनिकों ने कृष्णा घाटी सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय चौकियों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू भी कर दी। हालांकि भारतीय जवानों ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन इसके पीछे क्या चाल हो सकती है? जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी ना हो, ऐसे ग्रुप से लड़ना पड़ेगा और उसके लिए जारी बात है पाकिस्तान को एक बड़े पैमाने पे असला भी चाहिए। 22 जून को पाकिस्तान की एक अपेक्स कमेटी है, उसने ये फैसला किया कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कि एक स्ट्रेटजी अप्रूव हुई थी 2014 में, हमें दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। एनी हाउ वो दहशतगर्दी तो ख़त्म नहीं हो सकी, उसकी क्या वजूहत है माजी में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है वो मैंने जैसे पहले आपको कई दफ़ा कहा था कि ये काउंटर टेररिज्म के इर्द गिर्द घूमता है। अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के कुछ पार्ट्स दिए थे, तो अमेरिकन्स को इस चीज़ का पता था कि इंडियंस बोलेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले ही एक स्टेटमेंट जारी की और उस स्टेटमेंट में कहा कि दिस इज कमिंग फॉर अ काउंटर टेररिज्म पर्पसेस। सो इंडिया का आप इन्फ्लुएंस ये देखें कि अमेरिका के ऊपर और अमेरिका का डर ये देखें कि अमेरिका जो एक इक्विपमेंट पाकिस्तान को दे चुका है जिसकी कीमत पाकिस्तान ने पे कर दी है और वो कई दहाइयों से पाकिस्तान के पास है, F-16 चला रहा है। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है मसूद खान साहब, उन्होंने ये जानबूझ के लफ्ज क्लैरिफाई किया है स्मॉल आर्म्स, ताकि इंडिया जो है उसमें कोई रखना ना डाले, कोई मुश्किल ना डाल दे। ये लफ्ज को याद रखें, ये जो स्मॉल आर्म्स की बात हुई है ये डेफिनेटली अमेरिका और पाकिस्तान की बैक चैनल टॉक्स चल रही थी।
और वो जो बैक चैनल टॉक्स चल रही थी उन्हीं को देखते हुए पाकिस्तान के अम्बेसडर ने अमेरिका में ये स्टेटमेंट जारी की। और सिर्फ वो इंडिया के बारे में कहता है, पाकिस्तान के बारे में जो मैक्सिमम स्टेटस अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ जी, नॉन नेटो अलाय। अगर आपको याद हो नेटो जो है जब क्या नाम है उसको जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं है उसने तकरीबन ये तकरीबन 32 मुल्कों का मिलिट्री अलायंस है। तो जब अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे थे ठीक है जी तो उस वक्त ये कहा गया था कि पाकिस्तान नॉन नेटो अलाय है क्योंकि पाकिस्तान ट्रांसपोर्टेशन मिलिट्री कोऑपरेशन लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस और नॉन प्रोलिफरेशन और बहुत सारे और इश्यूज पे अमेरिका का इतिहादी था। पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसले थे, अमेरिका तो उनको हल नहीं कर सकता। तो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने वो सारे का सारा स्टेटस भी वापस ले लिया और पाकिस्तान एक उसी इशू में चला गया। अब जारी बात है इसमें आप बहुत सारे मसले मसाइल रहे हैं माजी के अंदर भी। खैर अभी जो ये सारा चल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उसको नॉन नेटो अलाय का स्टेटस भी नहीं रहा, लेकिन क्या अमेरिका ये स्मॉल वेपन्स देगा? पहले तो वो जारी बात है इंडिया को ऑन बोर्ड लेंगे, मुझे ये लगता है। अगर ऑन बोर्ड नहीं भी लेंगे तो इंडियन सवाल उठाएंगे, असला लेने के बाद हमने उस असले को इंडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल किया तो फिर अमेरिका क्यों आपको जो है वो असला देगा भाई, या इंडिया क्यों ना बोलेगा? तो ये हमारी गलती है। मतलब ऐसी क्या जल्दी थी बोलने की? अगर आपको कुछ असला मिल भी रहा था, फॉर इंस्टेंस अगर आपको कोई असला मिल रहा था, आपकी कोई ऐसी पोजीशन थी, तो आप क्यों इस चीज में आगे बोलना शुरू कर दिया जी कि वो हम इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ऐसे तो अमेरिका के लिए भी मुश्किल पैदा हो गई मुस्तकबिल के लिए जैसे अभी नजर आ रहा है, और पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो गई। सो ये होता है सियासतदानों को शौक होता है कि वो जब पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली या स्ट्रेटेजिकली या समहाउ इंटरनली किसी चीज में कंप्रोमाइज कर जाए, अंडरमाइन हो जाए। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जो अमेरिकन कंपनीज है वो इन्वेस्ट किया करती थी, और वो इसलिए इन्वेस्ट किया करती थी बिकॉज उनको पता था कि कहीं ना कहीं पे हमें एडवांटेज होगा पाकिस्तान के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल जिसे वो कहते हैं ना, जब से ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई और अफगानिस्तान से विड्रॉल किया है, उन्होंने कहा जी ये तो कोई दिए। फिर हम आपको याद होगा कि जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सुलिवन, उन्होंने फोन किया मोहिद यूसुफ को और कहा कि बाइडेन आप ना अपने वजीर आजम को रोके रशिया ना जाए, क्यों प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड विजिट। और खास तौर पर इमरान खान जैसा बंदा जो किसी की भी नहीं सुनता, जो पाकिस्तान की फौज की भी जिसने नहीं सुनी, जो फौज उसको लेके आई पावर में, जो फौज इमरान खान को पावर में लेके आई इमरान खान ने तो उसकी भी नहीं सुनी। तो अमेरिका के साथ, अमेरिका ने तो इमरान खान पर कोई जिसे कहते ना एहसान ही नहीं किया हुआ था, एहसान तो किए थे सऊदीज ने, सऊदीज के हवाले से इमरान खान खामोश रहता था हमेशा, हालांकि इमरान खान की ओपिनियन सऊदीज के बारे में जरा अच्छी नहीं है। सो यही वजह है कि वन ऑफ द रीजंस के इमरान खान का जो रिटर्न है एज ए प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री मुश्किल है, क्योंकि कोई भी ग्लोबल पावर जो है वो नहीं चाहती कि इमरान खान वापस आए। सऊदी अरब से वही सऊदी अरब जिसको कभी इस्लाम का दारुल हुकूमत माना जाता था, उस सऊदी अरब से जैसी खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से कुछ हफ्ते पहले लगभग दो हफ्ते पहले हमने सुना कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वहां पर लिकर का सेवन और उसका बेचना, सब कुछ शराब था, उसको लीगलाइज कर दिया था। इसकी वजह से पूरे विश्वभर में बवाल मचा, विशेष तौर पर भारतीय पाकिस्तानी बांग्लादेशी मूल के जो साउथ एशियन मुसलमान है उन्होंने ज्यादा कुछ इस पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। मगर जैसा पहले हमने कभी सऊदी अरब के इतिहास में नहीं देखा था, सऊदी अरब के हिस्ट्री में इस प्रकार की चीजें ज्यादा नाचना गाना सब कुछ करना इसको बहुत ज्यादा हराम भी माना जाता था, इस पर लोगों को सेंटेंस को डेथ तक हो जाती थी। मगर जैसा कि आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े शेख वहां के हमको इसमें नाचते जाते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर मूवीज चल रही है, पार्टीज हो रही, सब कुछ हो रहा है, उसमें शराब पे कहीं से भी किसी तरह की पाबंदी नहीं है। अब ये सब देख करके एक तरफ तो पाकिस्तान और भारत इतना बड़ा सेगमेंट है वो सऊदी अरब को क्रिटिसाइज भी करता नजर आ रहा है, साथ ही साथ में ये भी बोलते हुए नजर आ रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद से पूरा का पूरा सऊदी अरब काफिर हो गया है।